आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब भगवान ब्रह्मा स्त्री की रचना कर रहे थे तो उसमें कमी रह गई? आखिर कैसे हुई स्त्री की रचना में गड़बड़ी? ब्रह्मदेव ने आखिर स्त्री को ऐसा क्यों बनाया? मित्रों, हम सब जानते हैं कि त्रिदेवो यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ब्रह्मा जी को क्रिएटर यानी रचयिता माना जाता है। उन्होंने ही इस समूल सृष्टि की रचना की और इसी दौरान उन्होंने स्त्री की भी रचना की। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्त्री ब्रह्मा देव की एक ऐसी मात्र रचना है जिसे बनाने में सबसे ज्यादा समय लगा, लेकिन फिर भी आखिर ये रचना अधूरी कैसे रह गई? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब उन्हें काफी समय लग गया। स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन हो चुके थे, लेकिन उनकी यह रचना अभी अधूरी थी। यह देख एक देवदूत ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप स्त्री की रचना में इतना समय क्यों ले रहे हैं? तब भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सारे गुणधर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए जरूरी है? यह मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। यह हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। यह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है एवं खुश रह सकती है। साथ ही अपने प्रेम से घुटनों की खरोच से लेकर टूटे दिल के घाव भी भर सकती है। यह सब सिर्फ अपने दो हाथों से कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा गुण धर्म यह है कि बीमार होने पर अपना ख्याल खुद रह सकती है और बहुत समय तक काम भी कर सकती है। स्त्री के ऐसे गुणधर्म सुनकर देवदूत चकित रह गए और आश्चर्य से पूछा कि भगवान क्या यह सब दो हाथों से कर पाना संभव है? तब भगवान ब्रह्मा ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो यह मेरी अद्भुत रचना है। इसके बाद जब देवदूत ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए नजदीक जाकर भगवान की बनाई इस रचना को हाथ लगाया और कहा, भगवान यह तो बहुत नाजुक है। तब भगवान ने कहा, हाँ यह बाहर से बहुत ही नाजुक है, मगर इसे अंदर से बहुत मजबूत बनाया गया है। यानी ये कोमल तो है पर कमजोर नहीं, इसमें हर परिस्थितियों को संभालने की ताकत है। इसके बाद देवदूत रचना के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया और पूछा, भगवान क्या स्त्री में सोच विचार करने की भी क्षमता होगी? तब भगवान ने उत्तर दिया, न केवल इसमें सोचने विचारने की क्षमता होगी बल्कि मजबूत होकर हर मुश्किल का मुकाबला करने की भी शक्ति होगी। इसके बाद जब देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तो उसे कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ और हैरानी से पूछा कि भगवान इसके गालों पर यह क्या है? इसकी आँखों से यह क्या बह रहा है? भगवान ब्रह्मदेव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, यह इसके आंसू है। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गया। उसने पूछा, भला आंसू किस लिए? भगवान बोले, यह भी इसकी ताकत है। जब स्त्री कमजोर पड़ने लगेगी तो यह अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के जरिए बहा देगी। साथ ही आंसू प्यार जताने एवं अपना अकेलापन दूर करने का तरीका भी है। देवदूत ने कहा, भगवान आपकी रचना बहुत ही अद्भुत है, आपने सब कुछ सोच कर बनाया है, आप महान है। तब भगवान बोले, हाँ यही स्त्री रूपी रचना अद्भुत है, यही हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। वे सभी को खुश देखकर खुश रहती है, हर परिस्थिति में हंसती रहती है, उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं, उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा देते हैं, मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी वो जानती है। यह वर्णन सुनकर देवदूत ने कहा, भगवान आपकी रचना संपूर्ण है। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि नहीं, अभी इसमें एक त्रुटि है। असल में यह अपना कर्तव्य निभाते हुए दूसरों के लिए जीते हुए अपना महत्व भूल जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले।